नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टियरमिस्ट ईजीआई जेल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में कैसे डालना चाहिए और टियरमिस्ट ईजीआई जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टियरमिस्ट ईजीआई जेल का उपयोग आंखों में सूखापन यानी आंखों की ड्राइनेस को ठीक करने के लिए टियरमिस्ट ईजीआई जेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आंखों में कोई चोट लगने पर या आंखों में कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि टियरमिस्ट ईजीआई जेल आंखों में जलन और खुजली होने से बचाव करती है और आंखों में नमी को बनाए रखती है। टियरमिस्ट ईजीआई जेल में आर्टिफिशियल आंसू होते हैं जो हमारी आंखों में नमी को बनाए रखते हैं और आंखों में इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। आंखों की लेसिक सर्जरी या कैटराक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर आंखों में सूखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए टियरमिस्ट ईजीआई जेल को डालने की सलाह दे सकते हैं। आंखों में सूखापन होने पर आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, आंखों का लाल होना, आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाना, आंखों में भारीपन महसूस होना, आंखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आंखों में थकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आंखों में या आंखों के आसपास चिपचिपे म्यूकस का जमाव होना आदि लक्षण आंखों में सूखापन होने पर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टियरमिस्ट ईजीआई जेल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में डालने के बाद आंखों की दृष्टि कुछ समय के लिए धुंधली हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में डालने के बाद आंखों में जलन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर टियरमिस्ट ईजीआई जेल को बंद करने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि टियरमिस्ट ईजीआई जेल को कितनी बार आंखों में डालना रिकमेंडेड होता है। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टियरमिस्ट ईजीआई जेल को दिन में एक बार और नाइट में सोते समय आंखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन टियरमिस्ट ईजीआई जेल की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में डालने के बाद टियरमिस्ट ईजीआई जेल के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और टियरमिस्ट ईजीआई जेल की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। टियरमिस्ट ईजीआई जेल प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी टियरमिस्ट ईजीआई जेल का उपयोग करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टियरमिस्ट ईजीआई जेल को आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका टियरमिस्ट ईजीआई जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।